ऐसा भी जी तो हो सर वो सकता है तो थोड़ा ठीक पहले है। कस्टमर, हाँ तो पैसा जल्दी दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। डल वर्सेस चैलेंजिंग, एक आपका काम है, आपको नौकरी पे जाना है, डेली जाना है नौकरी पे, आपको नौकरी अच्छा लगता है बुरा लगता है फिर भी आपको डेली वहां पर नौकरी पे जाना ही। अभी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का कोशिश करते हैं, वो चैलेंजिंग काम है। चैलेंजिंग काम जी का सर मतलब है कि वहां पर आपको आपको कस्टमर का गारंटी नहीं होता, ये पॉलिसी लेगा नहीं लेगा, क्या होगा क्या नहीं ले, क्या हो क्या नहीं होगा, ये कुछ कह नहीं सकते। तो इंश्योरेंस का काम है वो चैलेंजिंग है। इंटरेस्टिंग वर्सेस बोरिंग, अभी आप रेगुलर मान लीजिए आप जॉब, ये किसी का ना माइक ऑन है, थोड़ा सा इसको ध्यान कर लेंगे। हाँ अभी ये माइक किसका ऑन है मेरे को एक्चुअली ढूंढ के बंद करना पड़ेगा। अगर आपका माइक मैंने म्यूट कर दिया है और सिन्हा साहब का भी मैंने म्यूट कर दिया, सो आगे बढ़ते हैं। सेटल्ड वर्सेस एक्सप्लोरिंग, अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अभी लाइफ के अंदर हमको सेटल होना है। सेटल होना है का मतलब नौकरी ले लिया, नौकरी के अंदर सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, रोज जाते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, वो है सेटल्ड नौकरी। या तो दुकान खोल लिया, दुकान में सुबह गए सारे दिन दुकान पे बैठे, शाम को दुकान से आ गए, उसको बोलते हैं सेटल्ड लाइफ। एक होता है एक्सप्लोरिंग लाइफ, एक्सप्लोरिंग का मतलब रोज नया कस्टमर मिलेगा आपको। इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि कैसा कस्टमर अगले दिन आपको मिलने वाला है। आपको कंफर्टेबल वर्सेस अनकंफर्टेबल, नौकरी पे जाना कंफर्टेबल मतलब आप जा रहे हैं आपको पता है यार सुबह से शाम क्या आराम की नौकरी आराम की जिंदगी। अनकंफर्टेबल यहाँ पे कस्टमर के पास हम जा रहे हैं, और कस्टमर के पास जाना हर किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन हाँ ये पक्का है आप उस कस्टमर के पास गए वहां से आपको कितने कमीशन का इनकम होगा, 15,000 20,000 25,000, कोई कह नहीं सकता। कुछ काम होते हैं एंजॉयमेंट वाले, कुछ क्या होते हैं डिसिप्लिन वाले। अभी नौकरी पे जाना या तो दुकान पे जाना, खुद का आपका बिजनेस है तो दुकान पे जाना एंजॉयमेंट वाला काम, आपको लगता है कि यार सुबह से शाम आराम से, वो ज्यादा झंझट वाली नहीं है। डिसिप्लिन इंश्योरेंस एजेंसी डिसिप्लिन वाला काम, आपको गारंटी नहीं रहता है कि रोजाना मेरे को कस्टमर को मैं मिल रहा हूँ कि नहीं मिल रहा हूँ, आपको ट्रैकिंग नहीं रहता है कि मैं रोजाना सेल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं नए लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सही डायरेक्शन में आप करें। सो सेलिंग पॉलिसी मीन्स, पॉलिसी बेचने का मतलब हमारा 10 मिनट ये मीटिंग का इधर बता रहा है कि बचा है, तो यदि हमारा ये टॉपिक की जरूरत होगी तो आगे उसको बढ़ा लेंगे, तो इसी लिंक से आपको दोबारा से ज्वाइन करना होगा। सो सेलिंग पॉलिसी मीन्स, पॉलिसी बेचने का मतलब आपके लिए क्या है। पॉलिसी बेचना है मतलब ट्रबल है, तकलीफ है, डिफिकल्टी परेशानी है, अनकंफर्टेबल होना है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख होएगा, परेशानी होएगी, रिजेक्शन होएगा, कोई आपको मना करेगा, आउट ऑफ रूटीन। आप मान लो सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं, आउट ऑफ रूटीन कुछ करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होएगा। अभी आपको लोगों से पैसा मांगना पसंद नहीं है, अभी आपको पैसा मांगना पड़ रहा है, अनईजी आप मुश्किल होएगा, फोर्स्ड आपको लगता है नहीं पॉलिसी मुश्किल का काम है। आप में से किसी को ऐसा लगता है, ये सब चीजें लगती हैं क्या, पॉलिसी बेचने का मतलब ये सब, क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि पॉलिसी बेचने का मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम है। नहीं लगता है, सर हर हर काम में तकलीफ होगी होगी, अगर इजी होता है। हेलो, हाँ जी हाँ हाँ अगर आवाज आ रहा है इजी आपका, होता, बताइए। अगर इजी होता तो हम नहीं होते। LIC ऑफिस खुल जाती, कैश काउंटर होता, पॉलिसी बिकता रहता। टफ है ठीक बात इसके कारण हम है। है, हाँ हाँ आसान होता तो हर कोई कस्टमर अपने आप आके करा लेता ना, तो आपकी जरूरत थी ना तो मेरी जरूरत थी। और सेलिंग पॉलिसी मीन्स, हाँ हर मोड़ पे बताइए। काउंटर खुल जाता, लोग जाते हैं हाँ पॉलिसी करा लेते हैं, अपने आप पॉलिसी करा लेते हैं, जैसे दुकानों में जाके लोग अपने आप बाकी सामान खरीद लेते हैं, सामान तो ले लेते पॉलिसी हैं। भी सेम। एब्सोल्युटली राइट, हाँ यस तो आसान चीज अपने आप बिकती है, मुश्किल चीज को बेचना पड़ता है। क्या बिल्कुल सेलिंग पॉलिसी का मतलब वो था जो पहले पिछली स्क्रीन में हमने देखा, ये वाला मतलब था, या तो ये वाला मतलब है। पॉलिसी बेचने का मतलब जॉय हैप्पीनेस, आपको खुशी होता है, आपको मजा आता है, आपको लगता है कंट्रीब्यूशन, हमने किसी जिंदगी में किसी की जिंदगी में किसी का भला किया है, 100 रुपये पर डे के हिसाब से उसको 20 लाख मिलेगा तो हमने उसकी जिंदगी में 20 लाख का भला कर डाला, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, चल यार मैं पॉलिसी बेचा, मेरा इस पॉलिसी में अगले 15 साल में मेरा 18,000 रुपये कमीशन आएगा, ग्रेटफुलनेस, आपको लगता है यार ये चलो इतने सारे लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मेरे से पॉलिसी करा रहे हैं, तो ग्रेटफुलनेस हो रहा है, अचीवमेंट, आपको लगता है मेरा रिटर्न प्रॉफिट हो गया, मेरा अचीवमेंट हो गया, मेरा मुहूर्त पे मेरा कुछ सेल हो गया, तो हाँ ठीक है मेरा मुहूर्त बढ़िया हो रहा है, तो मूविंग फॉरवर्ड आपको लग रहा है मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, तो कैसा लगता है आपको। नए साल का मुहूर्त कल रहेगा, तो आपका कैसा इच्छा है कि किस तरीके का आपका मुहूर्त होना चाहिए। आप भले ही कल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वैसे मेरा आपसे निवेदन है कि आप जरूर आए कल के प्रोग्राम में, कल सुबह 10 बजे का प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप के लिए आपका जो शुरुआत है भाई
ब्रांच के लिए ब्रांच का शुरुआत हो रहा है, हमारा टीम के लिए टीम का साल शुरू हो रहा है, आपके लिए आपका एजेंसी का शुरुआत कैसा हो रहा है? मिस्टर कुमार ने बताया मेरा 5 पॉलिसी 26,000 से शुरुआत हो रहा है, बाकी साथियों का शुरुआत कैसा हो रहा है, या तो कल से हो रहा है या तो कब से हो रहा है? वेलकम न्यू एसडीएम, आपके नए सीनियर डिविजन मैनेजर आ रहे हैं 19 अप्रैल, अभी कल 18 अप्रैल है, कल 18 अप्रैल के लिए मुहूर्त तो है ही, लेकिन ये वाला 19 अप्रैल के लिए कंपटीशन आया हुआ है। 3 पॉलिसी के ऊपर 1 सेरामिक का मग आपको मिलेगा ऑन एवरी पॉलिसी, 1 पॉलिसी पे 1 मग, 2 पॉलिसी पे 2 मग, 3 पॉलिसी पे 3 मग, तो इसका क्वालिफाई करिए। 10 लाख सिंगल प्रीमियम पे 2,000 रुपये मिलेगा और साथ में ऑनरिंग बाय सीनियर डिविजन मैनेजर। एक ये अष्टू करके एक न्यू बिजनेस का कॉम्पिटिशन आया हुआ है 16 अप्रैल से 31 मई तक, इसके अंदर लिखा है एन्युटी सेविंग गारंटेड प्लान, हेल्थ प्लान, यूलिप प्लान, इसके ऊपर आपको 3 पॉलिसी करने पर 400 रुपये इसके अंदर आपको मिलेंगे। अभी नीचे प्लान का लिस्ट है, जीवन अक्षय, जीवन शांति, सरल पेंशन, धन रेखा, बीमा ज्योति, आरोग्य रक्षा, कैंसर कवर, जीवन अमर, सरल जीवन बीमा, निवेश प्लस, SI IP, न्यू एंडोमेंट प्लस। आपकी टीम के लिए है 25 पॉलिसी 20 लाख प्रीमियम पर ऑनरिंग बाय सीनियर डिविजन मैनेजर, आपकी टीम में ऑनरिंग किया जाएगा। बीमा महोत्सव 1 अप्रैल से 30 जून, वैसे तो 1 अप्रैल से 30 जून है, लेकिन फिर भी कल बहुत सारे साथी हैं जो कल 12 पॉलिसी से शुरुआत कर रहे हैं, पहले दिन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप में से सबसे पहले ट्रॉफी किसका होने वाला है, आप में से सबसे पहले ट्रॉफी करने का इच्छा किसका है, आप में से कोई बताना चाहेंगे? क्या बात है भाई, क्या इतना ठंडे क्यों हो रहे हैं, इतना क्या हो गया? नहीं, मैंने इतना भारी भरकम सवाल पूछ लिया क्या? हाँ सर, राजेंद्र जी नहीं है लेकिन उनके बिहाफ पे मैं बोलता हूं। नहीं, यहाँ पे सारे के सारे राजेंद्र जी हैं, नो प्रॉब्लम, आप भी कर सकते हैं, इसके लिए राजेंद्र जी का होना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ राजेंद्र जी का हो जाएगा पहले, मेरे से पहले। नहीं, वो ठीक है, उनका होएगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी हो सकता है, आप भी सोचे, आपका भी हो सकता है। जेडम ट्रॉफी 12 पॉलिसी पे है, एवरेज प्रीमियम 2,500 रुपए करना है। आज एक प्रोग्राम था 3 बजे से 4:30 बजे, टाइमिंग एक ये हाउ टू क्रिएट सक्सेसफुल इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल यूट्यूब लाइव वेबिनार, आप में से किसी ने किया था 3 बजे से 4:30 बजे का प्रोग्राम? नहीं किया था, ओके, लेकिन ये प्रोग्राम अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं। एक एक काजिम रजा का प्रोग्राम हुआ है, हाँ ये वाला आप चल रहे हैं इसमें, तो ठीक है, सभी लोग इसमें ज्वाइन करें। हाँ तो 500 रुपए का टिकट मेरे पास है, इसमें आप टिकट ले लीजिएगा। नहीं नहीं, सिप्ते का पैसा मेरे पास है, मेरा और सिप्ते का दोनों का टिकट आप कर दीजिएगा। हाँ टिकट आप ले लीजिएगा, तो ये हाँ, सिप्ते का भी दो का, हाँ हाँ, तो 2 टिकट आप ये ले लीजिएगा, और बाकी भी जितने भी साथी हैं, एक अग्रवाल साहब ने पैसा दे रखा है, तो 3 लोगों का पैसा ऑलरेडी आया हुआ है, और बाकी भी साथियों का किसी का यदि आया है, यदि आपने विनीता को दिया है तो मुझे बता दीजिएगा, तो ठीक है, तो डायरेक्टली यदि आपने जमा कर रखा है तो बता दीजिएगा। गालिब ऑडिटोरियम में है, ITO के पास में है गालिब ऑडिटोरियम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। तो इसमें लिखा है हाउ टू बिग स्टार्ट, नए फाइनेंशियल ईयर का बढ़िया शुरुआत कैसे करें, काजिम रजा बहुत शानदार ट्रेनर है, 500 रुपये में बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, तो आप इसको जरूर करके आइए। तो सी यू टुमारो इन ऑफिस। मेरा क्या चीज सर, आपके पास 12 टिकट है ना? मेरे पास 12 टिकट है, मेरे पास 12 टिकट, उसने मेरे को 5 पे 1 टिकट फ्री दिया है, यानी कि 10 पे 2 टिकट फ्री दिया है, तो एक्चुअली देखा जाए तो आपको 500 का टिकट नहीं पड़ेगा, ये हमारा 500 से कम का टिकट पड़ेगा, जो भी पड़ेगा वो अपन कर लेंगे। रवि से बात कर लेता हूँ, रवि अगर बोले, हाँ ठीक है ना अपना वो फिर, हाँ तो आपको रीजनेबल पड़ेगा, तो सभी साथियों को जाना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप यहाँ पर आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं दफ्तर में। जी कल दफ्तर में मुलाकात करते हैं, कल के दफ्तर के अंदर। हाँ ठीक है, ठीक है, और कुछ आप कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? ओके सो ठीक है, बाय बाय, सी यू, ठीक है, मिलते हैं कल दफ्तर में, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।